तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी लोकेशन जहां पे आपको भर भर के मिलने वाले हैं ड्रॉप। जी हाँ, मैं आपको बात कर रहा हूँ एयर ड्रॉप की, जो बहुत सारी भर भर के मिलती है लूट, और कभी कभी तो मार पिटाई भी मच जाती है भाई। कभी स्क्वाड ही ख़त्म हो जाता है पूरा का पूरा इस ड्रॉप के चक्कर में। बट टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे यारों और रिश्तेदारों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले एक ऐसी लोकेशन जहां पे आपको बहुत सारे ड्रॉप वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत हेल्पफुल वीडियो है, लंबा ज़रूर है बट इसको इग्नोर मत करना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है आप सभी के लिए अगर आपको ड्रॉप वगैरह लूटना पसंद है। और यदि आपके मिशन वगैरह हों ड्रॉप खोलने के, तो भी इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। आप आसानी से एक ही मैच में सारे जितने भी ड्रॉप खोलने वाले मिशन है ना, कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये लोकेशन क्या है। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो बॉट लोकेशन का ना, तो एग्जैक्ट वही लोकेशन है मेरे भाई। जो बॉट लोकेशन थी, हमें ये एक तरीके से एक्सीडेंटली मेरे को मिल गई थी ये लोकेशन। अब यहाँ पर मैंने पहले देखा था कि यार बहुत ज़्यादा ड्रॉप वगैरह आ रहे थे, तो मैंने कि यार असल में सीन क्या है। तो मैंने इसको कई बार मैसेज वगैरह खेला, बहुत बार खेला, बट जब भी ये जोन बनना था ना इस लोकेशन पे, तो भाई इसके आसपास लगभग 200 से 250 मीटर की रेंज में हमें ड्रॉप देखने को मिल रहे थे। और ये अभी बग चल रहा है BGMI में या क्या सीन है, बट आपको इस लोकेशन पे मिलेगा अगर आपका जोन बनता है इस लोकेशन पे। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमें कितने मिलते हैं ड्रॉप वगैरह, तो ये भी बड़ा मज़ेदार होगा सीन। तो ये आ गया हमें पहला ड्रॉप, आपको देखने में भले ही दूर लग रहा होगा ना, बट जब इसके पास जाओगे, अगर यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा ना, तो मुश्किल से यार 300 मीटर की दूरी पे होगा। और यहाँ पे जितने भी ड्रॉप आएंगे ना, कोई एग्जैक्ट आपके लोकेशन पे नहीं गिर जाएंगे, क्योंकि ऐसा अगर होता तो अब तक ये बग फिक्स हो चुका होता। अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। अगर आप इस लोकेशन पर आते हो और आपका जो जोन है इस लोकेशन पर बनता है ना, तो आपको इसके आसपास सारे ड्रॉप गिरते मिलेंगे, जो लगभग 250 से या 400 के मीटर की रेंज में होगा। तो बहुत आसानी से आप जाके लूट कर सकते हो उस ड्रॉप को। और अपने आसपास भाई एक बग्घी ज़रूर रखना, एक बग्घी या गाड़ी वगैरह। अब भी यहाँ पर भैया दूसरा ड्रॉप आ चुका है जो बिल्कुल पास से गुजर रहा है। पहला वाला ही थोड़ा सा दूर होगा, बाकी तो सारे भाई पास से ही गुजरते हैं। और ये भी मुश्किल से 250 या 300 मीटर के आसपास ये भी गिरा था, तो इसको भी अगर हम चाहते तो आराम से जाके लूट सकते थे, बट भाई हम नहीं गए, क्योंकि आप सब तो जानते हो हम हैं बहुत बड़े नो बड़े। अगर हम जाते तो भाई पहले जाते, इसीलिए हम नहीं गए भाई, क्योंकि आपको वीडियो ही बनाना था भाई। अगर लूटने जाता, बहक जाता, लालच करता तो मारा जाता, तो इसीलिए ये हमारा हो गया दूसरा। अब देखते हैं भैया हमें कितने देखने को मिलते हैं, और मैं सच्ची बताऊँ तो आप शॉक्ड हो जाओगे ये वीडियो एंड तक देखते देखते, क्योंकि यहाँ पे भाई जितने भी ड्रॉप आते हैं ना, सारे के सारे भाई लोकेशन पे गिरते हैं आसपास। और अगर आप लूटने जाओ तो मुश्किल से एक मिनट भी नहीं लगेगा, वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो अभी फिर से हम इसको फास्ट फॉरवर्ड लगा देते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ आप लोगों का। तो फास्ट फॉरवर्ड लगाते हैं भाई। तो ये आ गया ड्रॉप नंबर 3, और ये भी बिल्कुल पास में गिरा है भाई, इसको भी आप आसानी से जाके लूट सकते हो। तो ये हो गया अपना ड्रॉप नंबर 3। तो मेरे भाई अभी तक 3 ड्रॉप गिर चुके हैं हमारे सामने, और अभी देखते हैं कितने आने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पे लूटने जाओगे ना, तो वही है 300-400 मीटर के आसपास। तो अभी ड्रॉप नंबर 4 भी आ चुका है भाई साहब, ये रहा। तो ये लुक ये गया था, जो पिछला वाला था ड्रॉप नंबर 3, वो सीधे गया था और ये वाला साइड में गया था। तो इधर कंफ्यूज मत होना, एक नहीं है, दोनों अलग अलग थे। और ये है ड्रॉप नंबर 5। ठीक है, ये देखिए, ये है ड्रॉप नंबर 5 भाई। मतलब ये लोकेशन को मैं भी बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था कि यार कैसे ये ड्रॉप गिर रहे हैं। और ये लगभग मैं कई मैच खेल चुका हूँ उसके बाद ये लोकेशन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसे ही बड़बड़ नहीं कर देता। जितने भी ड्रॉप जाते हैं ना, सारे आपके इस लोकेशन से होते हुए जाएंगे, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा किस तरफ ड्रॉप हो रहा है, और जाके यार लूट सकते हो अगर आपके बस की है तो, वरना पहले ही जाओगे। ठीक है, तो हमारे 5 ड्रॉप गिर चुके हैं अब तक। अभी देखते हैं हमें कितने मिलने वाले हैं, क्योंकि 16 बंदे बचे हैं और ड्रॉप भी मुश्किल से 1 या 2 बचे होंगे। तो ये है ड्रॉप नंबर 6, ये भी बिल्कुल आपके पास में गिरने वाला है, इसको भी आराम से जाके लूट सकते हो, बट हम नहीं लूटेंगे।
रीजन क्या है वो सब आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो ये था ड्रॉप नंबर 6 और अभी एक ड्रॉप और बचा है, मतलब हमें ओवरऑल पूरे मैच में 6 या 7 ड्रॉप देखने को मिलते हैं। और ये 7ों ड्रॉप अगर जोन में आपका ये वाली लोकेशन होती है ना, तो सारे के सारे ड्रॉप भाई इसके आसपास गिरने वाले 200 से 300 मीटर की दूरी पर, जिसको आप आसानी से जाके लूट सकते हो। बट ये सीन है, ये रूल्स है कि भाई आपकी लोकेशन जोन में होनी चाहिए और जो ड्रॉप है वो लगभग 300 से 350 या 400 के करीबन रहता है, या बनना कम भी रह सकता है, जैसे ये वाला बहुत पास में गिरा है ना, तो आप इसको जाके आराम से लूट सकते हो। बट मैं यहाँ पर एक और वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये ऐसा नहीं है सीन कि सिर्फ एक बार हुआ है, ये बहुत बार हुआ है। और ये तब की बात है जब मैंने रिकॉर्ड कर रहा था, ये तुरंत मैंने रिकॉर्ड करे 2 मैच लगातार, तो ये दोनों मैच लगातार रिकॉर्ड कर रहे थे। और अगर आप यहाँ पर जाओगे ना, अगर आपकी लोकेशन जोन के अंदर होगी, तो आराम से यार आपको 6 से 7 ड्रॉप देखने को मिलेंगे, और जितने होते भी हैं असल में पूरे मैच में इतने ड्रॉप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भैया हमें 6 ड्रॉप देखने को मिल चुके हैं, अब भी एक और ड्रॉप बचा है मेरे भाइयों। वो ड्रॉप क्या है, उसमें तो भाई साहब अलग ही सीन हो जाता है। ये ड्रॉप बिल्कुल हमारी लोकेशन पे ही गिरता है, तो हम सोचे थे क्यों ना यार इसको लूटते हैं। तो लूटने के चक्कर में जिसका हमें डर था ना, वो हो चुका था, ठीक है। हम लूटने गए इस ड्रॉप को, तो भाई पेले गए, ठीक है। अभी यहाँ पे ये साले सांप बने हुए थे, इनने हमको पेल दिया, तो हम ड्रॉप भी नहीं लूट पाए। तो ये था ड्रॉप नंबर 7। तो एक और मैच लगा दिया जल्दी से, जिससे कि आपको मैं ये बता सकूं कि भाई यहाँ पे ड्रॉप हर बार देखने को मिलेगा आपको, तो टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे भाई। अगर ये लोकेशन आपकी जोन में रहती है ना, तो बहुत आसानी से यार हर बार आपको ड्रॉप देखने को मिलेंगे बहुत सारे, और भर भर के लूट मिलने वाली है। तो सारे के सारे बंदे भाई साहब 2-2 AWM चलाओ, मतलब सामने वाला ही बंदा देख के शॉक्ड हो जाए, क्या ही प्रो बंदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया फास्ट फॉरवर्ड, जिससे आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। और यहाँ पर हमारे ड्रॉप नंबर 1 आ चुके हैं, जो बिल्कुल ही पास में गिर रहे थे। वही आपको पता है भाई, 200 से 250 मीटर की दूरी पे आपको ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, जो प्लेन जाता है वो, और वो लगभग जो ड्रॉप वहाँ पे गिरेगा वो लगभग आपका 300 से 400 मीटर की दूरी तक हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने इसको फिर से फास्ट फॉरवर्ड लगा दिया, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ। और वैसे भी यार लगभग आज काफ़ी मेरी वॉइस झेली है, और मैं भी थक गया हूँ वॉइस ओवर कर करके। तो ये रहा हमारा ड्रॉप नंबर 2, जो बिल्कुल ही पास से गुजर रहा है। और इस वाले मैच में भाई सारे ही ड्रॉप भाई बिल्कुल पास से गुजरे हमारे, और वही लगभग 200 से 250 मीटर की दूरी से हमारे प्लेन सारे गुजरे, और 300 से 400 मीटर की दूरी पे हमारे लिए ड्रॉप देखने को मिल गया। तो अगर आपको ड्रॉप वगैरह लूटने का बड़ा शौक है ना, तो ये लोकेशन यार बड़ी कमाल की होने वाली है आप सभी के लिए। इस लोकेशन पे आइए और एक गाड़ी ले आइए, और अगर ये लोकेशन हो जोन में तो ठीक है, और इस पे कंफ्यूज करते ही मत होना। अगर ये लोकेशन जोन में नहीं है तो आपको ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रहा ड्रॉप नंबर 3, मतलब इस वाले मैच में लगातार भाई ड्रॉप आते ही जा रहे हैं। मैं तो कंफ्यूज हो गया कि भाई साहब क्या 10 से ज़्यादा भी ड्रॉप आते हैं क्या मैच में। तो बट यहाँ पर सीन कुछ और ही हो रहा था। तो ये रहा ड्रॉप नंबर 3। एक ड्रॉप को भाई हम मतलब उसको नज़रअंदाज कर दिए, वो हमारे आगे से ही गया था, बट हम उसको इग्नोर कर दिए थे। तो सामने दिखाई दे रहा है ड्रॉप नंबर 4, इसको ये प्लेन जाता हुआ था, बट ड्रॉप वहाँ पे नहीं हुआ, ड्रॉप पीछे ही हो गया था। तो यहाँ पे हम इसको इग्नोर कर दिए थे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कितने हमें ड्रॉप देखने को मिलते हैं। तो ये रहा हमारा ड्रॉप नंबर 5, जो बिल्कुल पास में ही सही होता हुआ जा रहा है, और बिल्कुल पास में ही भैया इसको ड्रॉप कर देगा इस ड्रॉप को। और इस मैच में लगभग 41 अभी बंदे जिंदा हैं, फिर भी हमें 5 ड्रॉप अब तक देखने को मिल चुके हैं, और बहुत ज़्यादा इस मैच में हमें ड्रॉप देखने को मिल रहे थे। हम लोग सोचे भाई इस मैच में तो भाई साहब कम से कम 10 ड्रॉप देखने को मिल जाएंगे, बट कुछ हो गया बहुत ख़तरनाक, जो नहीं होना चाहिए था, बट क्या ही कर सकते, हो चुका था। तो अभी सीन ये है कि बंदे आ चुके थे यहाँ पे कई सारे, क्योंकि ड्रॉप इधर बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, तो इसी वजह से बंदे कई सारे आ चुके थे। और ये रहा हमारा ड्रॉप नंबर 6, जो सामने से होता हुआ जा रहा था, बट यहाँ पर बंदे आ गए थे और हम लगभग 38 बंदे बचे थे, उसी में ही हम पेले गए थे। और यहाँ पे कई सारे बंदे आ गए थे, क्योंकि ड्रॉप आसपास सारे गिरे थे, तो इस वजह से यहाँ पे कई सारे स्क्वाड आ गए थे। हमने 1-2 बंदों को मारा भी था, बट कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे बंदों ने हम पे रश कर दिया था और हम
पहले गए थे, क्योंकि हम हैं भैया बहुत बड़े नूबड़े। तो इस वीडियो में इतना ही है, आई होप अच्छा लगा हो आप लोगों को। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।